मैं संजय कुमार सिंह डी बी पी जी कॉलेज इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। एमए फोर सेमेस्टर के छात्रों के लिए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन विषय पर मेरा व्याख्यान प्रस्तुत है। राष्ट्रवादी लेखन पर विचार करने से पूर्व सबसे पहले हमको राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद क्या होता है इसको जानना चाहिए और राष्ट्र सभ्यता और बुद्ध के विकास निर्माणों को कुटुंब, ग्राम, छोटे राज्य सीमा के ऊपर ऐसे विशाल भूखंड के मोहपास में बांध दिया कि राष्ट्र का जन्म हुआ। यह राष्ट्रवाद विचारों की अभिव्यक्त का संगठित माध्यम है और राष्ट्रवाद की चुनौतियों ने खास करके राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को जन्म दिया और राष्ट्रवाद का जन्म ब्रिटिश इतिहासकारों के शोषणकारी चरित्र और उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पैदा हुआ, जब उन्होंने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को नकार दिया और उन्होंने विकृत रूप प्रस्तुत किया तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने उसको चुनौती को स्वीकार किया और उस पर अपनी लेखनी चलाई। और सबसे पहले हम विचार करते हैं तो 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का काल आता है जिसमें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागृत का श्री गणेश होता है। उसमें हमारे नायक फादर ऑफ इंडियन रेनेसा जिनको राजा राम मोहन राय कहते हैं, राजा राम मोहन राय ने ऐसे विचारों की उत्पत्ति किया, ऐसे विचारों को दिया। उन्होंने खास करके ब्रह्म समाज द्वारा स्त्रियों के उत्थान, जाति प्रथा को तोड़ना और जो पुरानी वर्जनाएं थी, रूढ़ियां थी, उनको तोड़ा और अपने पत्र संवाद कौमुदी के माध्यम से उन्होंने अपने उपनिषदों का अनुवाद करके उन्होंने ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो भारतीय समाज में एक जो है ज्योति का काम किया। राजा राम मोहन राय ऐसे विचारक थे जो पश्चिम और पूर्व को जोड़ने वाले थे और उन्होंने रूढ़िगत विचारों को तोड़ा और जो ब्राह्मणीकृत व्यवस्था पर प्रहार किया जिससे समाज में हलचल पैदा की। इन्हीं के कदमों पर चलते हुए दयानंद सरस्वती ने वेदों के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने बैक टू वेदास का नारा लगाया और उन्होंने खास करके सत्यार्थ प्रकाश रूपी वैदिक भाष्य लिख करके उन्होंने समाज में रूढ़िगत व्यवस्थाओं को तोड़ा और बैक टू वेदास का नारा दिया, शुद्धि आंदोलन चलाया। जो लोग इस्लाम की आक्रांता, इस्लाम से उन्होंने मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया था और हिंदू धर्म से वापस नहीं आ सकते, उनके लिए छोटा सा शुद्धि आंदोलन चला करके छोटा क्रिया होम हवन कर करके उसमें वापसी का नारा बुलंद किया और राष्ट्रवाद और स्वदेशी आत्मविश्वास का नारा बुलंद किया और राष्ट्रवाद का परचम फहराया। और इसी कड़ी में आते हैं स्वामी विवेकानंद वेदांत केसरी, इसको हम भली भांति इनको जानते हैं कि इन्होंने 11 सितंबर 1853 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में भारतीय धर्म का परचम फहराया और उन्होंने कहा कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उन्होंने उस संसद में यही बात बोला कि हमें पूर्व के अध्यात्म को आपको जरूरत है, हमें पश्चिम के विज्ञान की जरूरत है, अगर दोनों मिल जाएं तो मानवता का कल्याण हो जाएगा, यही सब धर्मों की खोज है। और इनके इस भाषण को सुन करके वहां पे खड़े हुए 10,000 प्रतिनिधियों ने करतल ध्वन से स्वागत किया और वहां का प्रसिद्ध पेपर लिखता निवार खिराड़ लिखता है कि जिस देश में ऐसे विद्वत पुरुष रहे हैं वहां मिशनरी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। तो विवेकानंद ने फर्स्ट टाइम जो है भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृत का पक्ष उजागर किया और पश्चिम पे एक तरह से विजय प्राप्त किया और उनके अनेकों भाषण जो है उसके बाद हुए और उन्होंने भारतीय संस्कृत का परचम फहराया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि राष्ट्रवादी लेखन को चुनौती देने वाले जो पश्चिमी इतिहासकार थे उसमें प्रमुखता से नाम हम जेम्स मिल, स्टैची, स्टीफन फिलर का नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारतीयों को बार बार चुनौती दे रहे थे और उन्होंने यह बात बार बार दोहराई कि भारतीयों की सभ्यता संस्कृति जो है गर्त में जा चुकी है, उनके पास इतिहास का भाव है, उनके पास कोई लेखन नहीं है। उस चुनौती को स्वीकार किया और भारतीय इतिहासकारों ने, खासकर विशेषकर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उस पर अपनी कलम चलाई और भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को जो है प्रेषित किया। और इन महान जो विद्वान थे, हमारे जो इतिहासकार थे, भारतीय संस्कृत के उज्ज्वल पक्ष को निरंतर जारी रखा
क्योंकि जो अंग्रेजों के या ब्रिटिशर्स के जो सोर्स थे, जो दस्तावेज थे, सरकारी दस्तावेज थे या डायरी थे या पत्र थे या जो अभिलेखागार थे, जो रिपोर्ट वह ब्रिटेन को भेजते थे और वहां पे जाती थी, उसमें भारतीय जो समाज का जो चित्रण होता था उसमें उन लोगों ने विशेष करके ऐसा रूप प्रस्तुत किया, ऐसा कि जो पाश्चात्य जगत को जो है गलत सूचनाएं उन्होंने प्रेषित किया और भारतीय समाज का विकृत चित्रण ही वहां प्रस्तुत किया। इन्हीं के दस्तावेजों, इन्हीं के कहानियों, इन्हीं के रिपोर्टों को देख करके वो लोग इतिहास लिखते थे, जिसमें मिल मार्क्स मैक्स मुलर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और वही लोग नायक थे और वही लोग भारतीय इतिहास को जो है बताने का काम करते थे और वही माइंडसेट लेकर के वहाँ के शासक, वहाँ के इतिहासकार, वहाँ के मिशनरियाँ अध्ययन करके आती थी और भारतीयों के प्रति घोर नफरत का काम करती थी। और इसको मिटाना राष्ट्रीय इतिहासकारों का मुख्य रूप से काम था और उसके लिए जो है हमारे इतिहासकारों ने बीड़ा उठाया कि अपनी संस्कृत सभ्यता के जो सकारात्मक पक्ष हैं उसको रखेंगे और दुनिया के सामने जो है सही स्थिति भारत की रखेंगे। और इसका जो प्रभाव था, खास करके भारतीय जो लेखक थे, भारतीय जो राइटर्स थे, उनके ऊपर पढ़ना हुआ। इसमें एक नाम राजेंद्र लाल मित्र का लिया जा सकता है, जिन्होंने भारतीय जो साहित्य का संकलन प्रारंभ किया और आधुनिक विधि से लिखने वाले प्रथम इतिहासकार हैं और उनका जो लेखों का संकलन द इंडो आर्यन के नाम से जो संकलित हुआ उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृत का बड़ा नाम जो है उन्होंने रोशन किया। इसमें नीलकंठ शास्त्री साहब आते हैं और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा, क्योंकि जो अंग्रेजों द्वारा खास करके विवाद पैदा किया गया था कि यार कहाँ से आए, क्यों आए, उत्तर के थे, दक्षिण के थे, तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिख करके उत्तर और दक्षिण का विवाद समाप्त करने का काम किया। और इसी क्रम में हमारे महान नायक बाल गंगाधर तिलक आते हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत ग्रंथ की रचना किया, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। उन्होंने कहा कि आर्यों का विस्तार जो है भारत ही नहीं बल्कि ध्रुव प्रदेश तक था और इस आर्य रूपी आर्य अनार के झगड़ों को, विवाद को खत्म किया और राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया। और दूसरी तरफ इसी कड़ी में भारतीय नवयुवकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था और उस समय 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से शिक्षा का माध्यम क्या हो, यह बात बड़ी रोचकता से, बड़ी जो है दृढ़ता से, बड़ी विवाद का विषय बनी हुई थी कि कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाए, कौन शिक्षा का माध्यम क्या हो। और उसमें कुछ मनीषी हुए जिन्होंने, जिसमें हेनरी विलियम डिरिजियो का नाम लिया जा सकता है, हिंदू कॉलेज से संबंध थे, डेविड हेयर का नाम लिया जा सकता है, ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम लिया जा सकता है, ये महान शिक्षाविद थे और इन्होंने भारतीयों में शिक्षा के पोषण का काम किया। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वह अपनी मान्यताएं, अपनी नीतियां, अपनी वैचारिकी को थोपना चाहती थी और ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश कराया। ईसाई मिशनरियां सेवा भाव से भारत में प्रवेश की थी लेकिन उन्होंने यीशु की शिक्षाओं से यहाँ के कमजोर तबकों को शिक्षित करने का काम किया और भारतीय धर्म को दूषित किया और इसका परिणाम भारतीय मनीषियों, भारतीय चिंतकों पर पड़ना स्वाभाविक था, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, राजनारायण बोस, भूपेन चक्रवर्ती का नाम लिखा जा सकता है। और इनका मानना था कि भारत किसी भी समय दुनिया से पीछे नहीं थे बल्कि अग्रणी थे। इसी पे दो प्रमुख पुस्तक लिखी गई और आरसी दत्त द्वारा पुस्तक लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें भारतीय संस्कृत का गौरवगान किया गया। दूसरी तरफ एक प्रमुख किताब जो है लिखी गई आर के मुखर्जी द्वारा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि भारत के पास तोप, बंदूक, वायुयान से भी परिचित थे और वह समुद्र से भी परिचित थे और उसमें किसी भी क्षेत्र में उनसे कमी नहीं थे, इसको उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। और इसी व्यवस्था पे आगे चलते हुए हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बराबर उनका कड़वा प्रतिरोध किया और जब एक प्रमुख किताब आई ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी स्मिथ द्वारा लिखी गई और स्मिथ साहब ने उसमें कहा कि भारत में कभी स्वायत्त शासी संस्थाएं नहीं थी, इसका जवाब देने के लिए केपी जायसवाल साहब ने हिंदू पोल्टी नामक ग्रंथ प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया
कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूरोप नग्नता के दौर में था तो भारत में स्वायत्तशासी संस्थाएं स्थापित थीं, अनुदान और मतदान होते थे, असेंबली को राजा संबोधित करता था और पश्चिम जगत को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया और भारतीय गौरव राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया। और क्योंकि विचित्र एक बात थी कि भारतीय समाज, भारतीय की धार्मिक अवस्था, भारतीय का आर्थिक अवस्था का चित्रण जो ब्रिटिश इतिहासकार या साम्राज्यवादी इतिहास करते थे, उसका जवाब देना जो है लाजमी था कि भारत में एकता नहीं है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है, भारत विभिन्न धर्मों विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, उसका जवाब देना स्वाभाविक था। और इसमें आर के मुखर्जी की प्रसिद्ध किताब द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी और उन्होंने एकता के संदर्भ को कहा कि मौर्य काल में ही भारत ने यह परिचय दे चुका है कि उसमें राष्ट्रीय एकता स्थापित है और ये किसी की एक के बात नहीं कि वो स्वीकार करे कि भारत कभी एक नहीं था। और मौर्य काल का ही उन्होंने प्रतिपादन किया, राष्ट्रीय एकता का परिचय भारत दे चुका है। और दूसरी किताब आरसी मजूमदार कॉरपोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया लिखा, उसमें भारतीय जो सह अस्तित्व है, सहकारिता है, सबसे सहयोग है, पूर्व देश में एक तरह से अपनी संस्कृति का प्रसार है, उसका बात का गुणगान किया और भारतीय राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय इतिहास लेखन क्रम को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात अगर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की हम बात करते हैं तो आर्थिक इतिहास लेखन, और आर्थिक इतिहास लेखन विशेष करके जब मुगल सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई तो उन्होंने राज्यों का केवल इधर से उधर धन का माइग्रेशन किया, लेकिन ब्रिटिश सत्ता के आते ही धन का वहन जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने लगा। और पहली प्रमुख किताब है विलियम डिग्बी की प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया, और उसमें उन्होंने भारत के वैभव का गुणगान किया है। और आम तौर पे आम आदमी भी जानता है कि भारत सोने की चिड़िया थी और ब्रिटिश दोहन, उद्योग धंधों को नष्ट करना, पोषण की जगह शोषण करना, इस चरित्र का उजागर हमारे मनीषियों ने किया। उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडिया इन द मेकिंग, दादा भाई नौरोजी ब्रेन थियरी, रमेश चंद दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री के प्रमुख नायक है जिन्होंने ब्रिटिश के जो काले चरित्र को उजागर किया और धन के अपमान सिद्धांत को उद्घाटित किया और भारतीय राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार किया। और उनका यह भी मानना है कि भारतीयों के पास कोई श्रेष्ठ संस्कृति नहीं है, जो है वो पश्चिम के ऋणी है, चाहे जो भी बातें हों, चाहे कला हो, ज्ञान हो, संस्कृत हो, नाटक हो, सब उनसे उधार लिया गया हो। और इस बात से जो है राष्ट्रवादी इतिहासकार इतिफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो श्रेष्ठ है वो यूरोप के पास है, लेकिन भारतीयों को मानना था कि हमारे पास श्रेष्ठ है। उन्होंने खासकर जो महाग्रंथों की जो रचना है उन्होंने होमर की कृतियों पर आधारित बता दिया, नाटक गणित विज्ञान का आविष्कार हुआ उससे यूनान का ऋणी बता दिया, कृष्ण की भक्ति को क्राइस्ट के पंथ से उद्घाटित कर दिया, यानी भारत के सभी उज्ज्वल पक्ष को एक ऐसा पक्ष रखा, धूमिल पक्ष रखा, जिससे वो इतफाक नहीं रखता है। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने संस्कृत, अपने उज्ज्वल पक्ष, अपनी भूमि को तैयार किया, उस पक्ष को जो है रखने का काम किया। और इसी क्रम में हम देखते हैं एक प्रमुख इतिहासकार जेम्स टॉड आते हैं जिन्होंने एक राजपूतों, विशेषकर राजपूतों के ऊपर जो है एक विशेष किताब उन्होंने लिखी और उस किताब का हम चर्चा करते हैं कि एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजपूतों का गुणगान तो किया लेकिन मुसलमानों और राजपूतों के बीच वैमनस्य करने का भी काम उन्होंने किया। और विशेषकर किसी धारा से मुस्लिम इतिहासकार भी आते हैं जो किसी तरह का द्वंद्व समाज में नहीं समझते हैं और कहीं पे दोस्ती कहीं पे दुश्मनी कायम रखते हैं, और उनका मानना है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम दोस्त बने रहे कि सिर्फ सत्ता का परिवर्तन होता रहा, ऐसा लेखन हुआ और मार्क्सवादी इतिहास की तरफ भी झुक गए। और इस तरह से आप देखते हैं कि जो इतिहासकार हैं और विशेष करके जो हिंदू इतिहासकारों में ताराचंद का नाम आता है, उन्होंने इन्फ्लुएंसेस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर की बात करते हैं, इन इतिहासकारों ने ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की सभी ने कि विशेष करके इतिहासकारों ने ऐसे कटुता के बीज बो दिए जिसको अंग्रेजों ने सींचा और जिन्ना ने काटा। और विशेषकर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने उस काले पक्ष को उजागर करने का काम किया जो भारतीय राष्ट्रीयता के लिए खतरनाक हो चुके थे। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब भारत में
पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अंग्रेज इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वह कहते यह रजवाड़ों का विद्रोह है, यह सिपाही विद्रोह है, यह क्षेत्रीय विद्रोह है। लेकिन इसी भी खंडन करने के लिए बीडी सावरकर ने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और उन्होंने खास करके उनके दावे, उनके मंसूबों, उनकी नीतियों, उनको वैचारिकी को नकारने का काम किया। और विशेष करके उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में हमारे जो राष्ट्रीय नायक हुए, जिन्होंने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय सोच को आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें अरविंद घोष इंदु प्रकाश के माध्यम से, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के माध्यम से, बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी के माध्यम से एक राष्ट्रीय संचार पैदा किया। और उसी कड़ी में अगर आप हम जोड़ लें तो लाला हरदयाल का नाम आता है, जिन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेश में ही गदर पार्टी की स्थापना करके राष्ट्रवाद का संचार किया। और इन मनीषियों ने, इतिहासकारों ने विशेषकर अपने पत्रों, अपने लेखों, अपने राजनीतिक चेतना के थ्रू राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का प्रचार और प्रसार किया और अपने बहुआयामी चरित्र से जो है अंग्रेजों या साम्राज्यवादी इतिहासकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन हम अगर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पे बात करते हैं, और विशेष करके इसी के तमाम ऐसे प्रतिनिधि विचारक भी थे जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया, उसके प्रणेताओं में लाला लाजपत राय, एसी मजूमदार, आरजी प्रधान, पट्टाधी सीतारामैया लिया जा सकता है, जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना के नायक थे और उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार और प्रसार किया। लेकिन राष्ट्रवादी लेखन की बात हम करते हैं तो थोड़ा उससे अलग हटकर के राष्ट्रवादी लेखन की कुछ कमियां थी, उसके आलोचनात्मक पक्ष पे भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात थी कि राष्ट्रवादी लेखन का जब आलोचनात्मक पक्ष की बात आती है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी लेखन में ऐतिहासिक सुसंगतता का अभाव दिखाई देता है, ऐतिहासिक वस्तुपरकता का अभाव दिखाई देता है। हम अपने भाव, अपनी विषय निष्ठता के कारण उस भाव में आगे चले जाते हैं। और जहां साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसको सबसे अच्छा कहा, सब कुछ जो बुरा कहा, और वहीं हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहासकार ने सभी विषयों को बहुत अच्छे ढंग से परोसने का काम किया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने विशेष करके नाटक, उपन्यास, काव्य, इनको भी अपने प्राइमरी सोर्स में शामिल कर लिया और इससे जो है उन्होंने सब्जेक्ट के प्रति विषय निष्ठ जरूर हो गए, लेकिन उस निष्ठा के प्रति जो है इतिहास में न्याय नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर के हम देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय लेखन की बहुत विशेषताएं थी और उसमें ध्यान दें तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन सकारात्मक इतिहास को, ऐतिहासिक पक्ष को अभिव्यक्त करता है। अगर वंदे मातरम के लेखक तो 3 दशक तक जिंदा होते तो यह देख के प्रसन्नता होती कि आनंद मठ में उनका द्वारा लिखित गीत, एक गीत ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कर दिया था। और इतिहास, राष्ट्रवादी इतिहास ने व्यवहारिक इतिहास को उद्घाटित किया, जन जन तक राष्ट्रीय भावनाओं को प्रचार और प्रसार किया, उनके भावनाओं में राष्ट्रवादिता भर दी। राष्ट्रवादियों ने अपने लेखन द्वारा वर्तमान ही नहीं बल्कि प्राचीन के गौरव राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ दिया। और साथ ही राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने क्षेत्रीय एवं स्थानीय इतिहास लेखन में रुचि पैदा की और जिसके फलस्वरूप स्थानीय संग्रहालयों के अभिनव स्रोतों, सामग्रियों की खोज हुई और बहुत सारा पुरातात्विक कार्य हुए। राष्ट्रवादी लेखन ने भारतीय जनजीवन एवं भारतीय संस्कृति के बहुआयामी पक्ष के विपुल भंडार को आलोकित किया। धन्यवाद।